नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे विश्वविद्यालयों को लेकर, खास करके शिक्षकों को लेकर, प्रोफेसरों को लेकर, कि उनकी जो प्रमोशन है उसको लेकर छात्रों को जो है उस कड़ी में जोड़ा गया है। आइए जानते हैं वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको लेकर छात्रों और प्रोफेसरों के बीच में एक कड़ी को जोड़ दिया गया है। बिहार के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के तबादलों को लेकर विशेष नियम बनाया गया है। आपको बता दें कि UGC ने करियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत यह कवायद राजभवन की तरफ से की जा रही है। इस नियम के तहत विशेषता यह होगी कि विश्वविद्यालय शिक्षकों के तबादले के लिए जरूरी अनिवार्यता में स्टूडेंट का फीडबैक अहम होगा। इस नए नियम को लेकर जानने वाले बताते हैं कि यह नियम लागू होने के बाद से विद्यार्थियों का फीडबैक कॉलेज या फिर विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के प्रमोशन को लटका भी सकता है। आपको बता दें कि नए नियम को लेकर राजभवन की तरफ से 3 कुलपतियों की कमेटी की रूपरेखा तैयार की जा रही है। इसके तहत प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में पढ़ा रहे हजारों शिक्षकों के प्रमोशन तय करने के लिए स्पष्ट प्रावधान तय हो जाएगा। आपको बता दें कि अब तक विश्वविद्यालयों ने अपने अपने हिसाब से प्रमोशन के नियम और उसकी प्रक्रिया तय कर रखी थी। आधिकारिक जानकारी के अनुसार करियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत बनाया जा रहा नियम UGC के साल 2010 और 2013 के रेगुलेशन के आधार पर बनाया जाएगा। वर्तमान में इस रेगुलेशन के तहत नए सिरे से प्रमोशन की नींव रखी जाएगी। इस नियम के बन जाने के बाद से उच्च शिक्षा निदेशालय और विभिन्न विश्वविद्यालयों के अभिमत के लिए भी भेजा जाएगा। इस नियम की आखिरी मुहर बिहार उच्च शिक्षा परिषद की तरफ से लगाई जाएगी। आपको बता दें कि बिहार में ज्यादातर विश्वविद्यालयों में पुराने नियम लागू हैं। इस हिसाब से विश्वविद्यालयों ने अपनी अपनी जरूरतों के हिसाब से नियमों में संशोधन भर नए अध्यादेश प्रस्तावित किए हैं। विश्वविद्यालयों की तरफ से की गई मांग में कोई परीक्षा के नियमों की बात कह रहा है तो कोई नए विषयों को पढ़ाने के लिए, तो कोई विश्वविद्यालय जो है विभिन्न पाठ्यक्रमों को नए अध्याय जोड़ने की भी बात कह रहा है। बिहार में अभी विश्वविद्यालयों ने राजभवन के जरिए अपने अपने ऑर्डिनेंस व नियमों में संशोधन के लिए आग्रह कर रखा है। इस दिशा में बिहार उच्च शिक्षा परिषद के विशेषज्ञ मंथन कर रहे हैं। स्क्रीनिंग कमेटी सक्रिय है। उम्मीद की जा रही है कि अगस्त तक अधिकतर ऑर्डिनेंस की मंजूरी दी जा सकती है। बिहार शिक्षा परियोजना के उपाध्यक्ष प्रोफेसर कामेश्वर झा और परिषद के सदस्य सचिव सह प्रोजेक्ट निदेशक असंगवा चुबा आओ संयुक्त रूप से इन सारे नियमों पर फाइनल टच देने की कवायद में लगे हुए हैं। इधर बिहार के विश्वविद्यालयों में लाखों छात्रों की पढ़ाई का भी मामला सामने आया है, जिसमें प्रोफेसरों की बहाली की बात भी कही जा रही है। लोगों का कहना है कि बहाली कम होगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। बता दें कि तमाम विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद खाली है। इन पदों को भरने के लिए अलग से आयोग बनाया गया है, लेकिन स्थापना के महीनों बीत जाने के बाद भी इसके जरिए सिर्फ 3 असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति की जा सकी है। आपको बता दें कि बिहार में 11 विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के हजारों पद खाली है और छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है, क्योंकि दशकों से छात्र शिक्षक का इंतजार कर रहे हैं। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय की स्थापना के 3 साल पहले ही हुई थी, लेकिन यहाँ पर ऐसे विभाग हैं जिसमें शिक्षक ही नहीं है। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में करीब 3 लाख छात्र पढ़ाई करते हैं। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के मीडिया प्रभारी BK मंगलम बताते हैं कि हमारे यहाँ 28 विषयों में 1256 आवंटित प्रोफेसर के पद हैं, जबकि फरवरी मार्च 2021 तक 794 शिक्षक ही काम कर रहे हैं, 462 पद खाली है। तो ऐसे कई बिहार में विश्वविद्यालय हैं जहां पे असिस्टेंट प्रोफेसरों की प्रोफेसरों के पद खाली पड़े हैं। ऐसे में बिहार सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द जो है प्रोफेसरों की नियुक्ति करें, ताकि छात्रों का जो जीवन है वो आगे बढ़ सके, वो एक बार फिर से पटरी पर उनका जनजीवन लौट सके। बिहार और बिहार से जुड़ी और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।